24 मार्च 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कपास के ऊपर। दोस्तों, कॉटन के ऊपर हमारा अग्रिम विश्लेषण सत्य साबित हुआ। आपको याद होगा, पिछले साल फसल के समय कॉटन में हमने आपको अद्भुत तेज़ी की अग्रिम भविष्यवाणी की थी, अग्रिम विश्लेषण दिया था और यही कहा था कि कॉटन सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड साबित हो सकता है और इसमें अद्भुत तेज़ी की संभावना बन सकती है। वैसा ही हुआ और ज़बरदस्त तेज़ी पिछले लगभग 6 महीने से लगातार जारी है। अब क्या संभावनाएं बनती है कॉटन के अंदर? क्या अभी बड़ी तेज़ी, फाइनल तेज़ी बाकी है या अब इसके अंदर कुछ गिरावट या मुनाफा वसूली हो सकती है? जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन लगातार अपने परचरम सीमा पर है। रूस यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। रोज़ नए नए समाचार मिल रहे हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर भी बेतहाशा फ़र्क पड़ रहा है। अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं कॉटन के ऊपर और कपास खली के ऊपर? कॉटन सीड एवं कॉटन सीड ऑयल केक, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एज पर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से ये निकल के आ रहा है कि कॉटन के अंदर अच्छी क्वालिटी का कॉटन किसानों एवं जिनर्स ने रोक के रखा है, क्योंकि इसके अंदर लगातार शॉर्टेज है। गौरतलब है कि अच्छी क्वालिटी का कॉटन, ए और बी ग्रेड का कॉटन, इस फसल के टाइम से इसकी मात्रा बहुत कम थी। कॉटन के ऊपर गुलाबी सूंडा यानी पिंक वॉर्म की वजह से कपास की फसलों को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। इससे अच्छी क्वालिटी के कॉटन की बेतहाशा कमी देखी जा रही है। अतः स्पिनिंग मिल्स की डिमांड अच्छी क्वालिटी की कॉटन की है, तो ए और बी ग्रेड की जो क्वालिटी की जो कॉटन है उसके अंदर कमी महसूस हो रही है और किसान और जिनर्स जो हैं वो उन्होंने काफ़ी माल रोक भी रखा है। इससे बिनोला यानी कॉटन सीड एवं कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर भी इसका आंशिक असर पड़ सकता है। तो एज पर एस्ट्रो टेक्निकल्स आर कंसर्न, वी आर एक्सपेक्टिंग द पॉजिटिव मूवमेंट इन द कॉटन एज वेल एज कॉटन सीड एंड कॉटन सीड ऑयल केक इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ईयर 2022। टुडे द 24th of March वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस एडवांस एनालिसिस ऑफ द कॉटन। दोस्तों, नोट करिए, हमने आपको 24 मार्च सन 2022 को कपास में अग्रिम तेज़ी की विश्लेषण दिया है, जो अप्रैल 2022 के प्रथम सप्ताह में अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।